हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग. तो अभी द टाइम इज 11 एंड मैंने सब नहा वहा लिया है. मॉर्निंग आई वेंट टू द जिम, फिर आके मैंने नहा लिया है, मैंने पूजा भी दे दिया. एंड टुडे इट इज अ नो कुकिंग डे. तो हाउ मेनी ऑफ यू फील रिलीव जब खाने बनाने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा खाना है. जैसे सूप भी है, फिर मैंने जो दाल बनाया था कल वो भी है, तो मैं आज और कुछ नहीं बनाऊंगी. तो मुझे लगा आई हैव टाइम. यू नो समटाइम्स वी शुड पैम्पर आवर सेल्फ. नाउ पैम्पर आवर सेल्फ में क्या बोलूँ, लाइक अभी मैं जा रही हूँ पेडिक्योर करने, क्योंकि अभी ड्यू टू विंटर्स यू नो मेरा जो फीट है वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो गया है. एंड अभी मैं ऊपर में जितना भी क्रीम लगाओ कुछ भी नहीं होता है. तो व्हेन आई विल गो देयर वो लोग लाइक अच्छे करके वो क्या बोलते हैं, मैं उसको भूल गई, कुछ एक बोलते हैं. मैं आने के बाद वो जो क्रैक हो गया वो ड्राई स्किन सब निकाल देते. उसके बाद मेरा स्किन लाइक इट स्टेज गुड इफ आई जस्ट अप्लाई क्रीम. तो मैं वही करने जा रही हूँ. एंड डेफिनेटली समडे यू शुड सेल्फ लव, लाइक एक मी टाइम बोलते हैं ना, जो आपको पसंद है आपको डेफिनेटली करना चाहिए. तो वही मैं करने जा रही हूँ. एंड आने के बाद फिर घर का काम तो रहता ही है, बट टुडे आई एम थिंकिंग लेट मी यूज दिस टाइम इन ए प्रोडक्टिव वे. कुछ मैं जो काम घर में है जो कभी मिस हो जाता है वो मैं आके करूंगी. सो लेट्स गो एंड आई विल मीट यू ऑल आफ्टर सम टाइम. बाय बाय. सो यहाँ पे वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कैलस रिमूव करके देते हैं, तो अभी वो वही कर रही है. एंड मैं एक्चुअली पेडिक्योर आई थिंक सो लास्ट मैंने समर को किया था, तो बहुत ही महीनों के बाद कर रही हूँ. एंड अभी वो सब कैलस रिमूव कर रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. यू नो लाइक कोई पैम्पर करे तो अच्छा ही लगता है. एंड अच्छा लगता है कभी कभी टू पैम्पर योर सेल्फ. एंड फाइनली इट इज डन. मेरा नेल्स बहुत, माय लेग्स आर रियली बैड, ओनली अभी मेरा लेग्स आर लुकिंग नीट. सो फाइनली मैं आ गई एंड आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू कि अभी मेरा लेग थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलस हो गया था, जिसको वो क्रैक्ड जो क्रैक हो जाता है, क्रैक हील ही बोलते हैं, कुछ ऐसा फट जाता है जो बोलते हैं. और घर पे यू नो अगर आप डेली करें देन इट गोज अवे. पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे टाइम ही नहीं रहता है. मोस्ट ऑफ द डे तो मैं नहाने जाती हूँ जब लाइक राय का स्कूल बस आ जाएगा, ऐसा 10-15 मिनट्स है, क्योंकि घर का काम भी रहता है. एंड बहुत ही ज्यादा हो गया, तो वो लोग के यहाँ पे ना दे हैव अ सॉल्यूशन जो वो लोग दे देते, उससे बहुत अच्छी तरीके से सब रिमूव हो जाता है. तो अभी जैसे कि मुझे याद करके डेली नाइट में क्रीम लगाना है, कोई फुट क्रीम कोई लगाना है, तो इसीलिए अच्छा लग रहा है. फिर मैं सोच रही थी मैं नेल पॉलिश नहीं लगाऊंगी, फिर उसने बोला क्यों नेल पॉलिश लगा ही दो, तो मैंने बोला ठीक है लगाना है, तो मुझे पुट मी ए ब्लैक कलर वन. एंड अभी द टाइम इज 12:44, वहां में बहुत सारा टाइम चला गया. बट दिस इज वन गुड थिंग यू नो जो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, दैट दे डू देयर वर्क बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं. लाइक द कैलस रिमूवल के लिए दे टुक एक्स्ट्रा $7 लिया, क्योंकि बहुत उसी में ज्यादा टाइम चला जाता है, पर वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं. तो अभी मैं खाना तो कुछ भी नहीं पकाऊंगी, दाल भी है, चिकन सूप भी, ओनली आई विल मेक राइस. मुझे राइस खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं राइस बनाऊंगी. एंड मैंने बर्तन निकाल दिया है सुबह, सो मैं बर्तन सिर्फ दे दूंगी बस. एंड उसके बाद मैं देखती हूँ मेरा नीचे में लाइक मुझे वो कंफर्टर जो मैंने नया खरीदा है, मेनी ऑफ यू आर सेइंग पायल नहीं दिखाया, तो आज मैं लाइक खोल के लेट मी सी, मुझे भी देखना है कैसा लग रहा है. तो वही मुझे वो बेडरूम का वो काम है, मैं जाके करूंगी. बट फर्स्ट मैं ये बर्तन का काम सब खत्म कर लेती हूँ. तो मैंने कपड़ा नहीं चेंज किया है, क्योंकि राय का एक्टिविटी है तो फिर लेके जाना है. और जितना भी नो कुकिंग डे हो, पर घर का छोटा मोटा काम तो रहता ही है. तब मुझे लगा कि मैं ऐसे ही आई एम कीपिंग ऑल द यूटेंसिल्स, लेट मी टॉक विथ माई फ्रेंड. बहुत ऐसा होता है राइट, सो मेनी पीपल वी डोंट गेट द टाइम, और वो लोग भी बिजी रहते हैं. पर जब भी हम बहुत ही ज्यादा फोन पे बात करें लाइक टॉक इन स्पीकर, जैसे मैं हर वक्त करती हूँ, मेरा फोन हर वक्त स्पीकर पे रहता है एंड मैं बात करती रहती हूँ, उसे बोलते अच्छा है. जैसे हर वक्त सब लोग बोलते हैं कि ज्यादा लाइक डोंट कीप फोन इन योर ईयर्स, आप लाइक स्पीकर पे बात करें. तो मैं हर वक्त ये बहुत फॉलो करती हूँ. एंड मेरा नया कंफर्टर सेट इज लुकिंग रियली नाइस, क्योंकि पिलो कवर्स भी बहुत अच्छे हैं.
एंड फाइनली हो गया है एंड अभी तक मैं उससे बात कर रही हूँ. और अच्छा लगता है व्हेन यू टॉक विद समवन, यू नो, तब अब जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा बोरिंग नहीं लगता है. अदरवाइज समटाइम्स दिस ऑल वर्क आर नॉट दैट मच एंटरटेनिंग, बोरिंग ही होता है घर का काम जनरली. देखने में कैसा लग रहा है मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा. आई रियली लव इट, इट्स द क्वालिटी इज गुड एंड इट्स लाइट, जो मुझे पसंद है, क्योंकि ज्यादा हेवी कंफर्टर इज रियली ए प्रॉब्लम मैंने फेस किया है. तो दिस इज रियली गुड एंड अभी मेरे पास टाइम है एंड टुडे आफ्टर सो मेनी डेज आई वॉज टॉकिंग विथ माई फ्रेंड एंड पता नहीं शायद 2 घंटे से हम लोग बात कर रहे थे बिकॉज हर डॉटर एंड मेरी डॉटर दोनों सेम ही एज की है एंड दे बोथ लाइक शी इज माई फ्रेंड. जब हम लोग इंडिया बैंगलोर में थे एंड शी यूज टू बी माई नेबर, तो वहां से नाउ दे आर इन कैलिफोर्निया. तो बहुत दिनों बाद अच्छी तरीके से हमने बात किया. तो मेरा ये काम तो हो गया है एंड जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि देखने में कैसा लग रहा है. एंड अभी आई हैव सम टाइम, तो मैं क्या सोच रही हूँ, जो नहीं होता है मेरा काम दैट इज माई क्लॉजेट, आई जस्ट क्लीन लिटिल बिट ऑफ माई क्लॉजेट, क्योंकि मेरा क्लॉजेट बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया है. मैं आप सबको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा है. तो लेट मी सेट ए टाइमर, नाउ इट इज 1:40, तो फॉर 2:20 लेट मी सेट ए टाइमर कि मैं अपना क्लॉजेट क्लीन कर लेती हूँ. तो वो भी एक काम है विच आई डोंट डू नॉर्मली, ऐसा नहीं होता है मैं जब ज्यादा बिजी रहती हूँ. टुडे आई हैव फ्री टाइम सो लेट मी यूज दैट टाइम, मैं बोल सकती हूँ इन ए प्रोडक्टिव वे. ये बैग बहुत ही अच्छा है, आई एम प्लानिंग कि मैं इसमें कुछ सामान रखूंगी. सो बिग एंड या अबाउट द व्हाट इज दैट, या ये बैग, ये मुझे देख के याद आया अबाउट द बैग ऑर्गेनाइजर जो मैंने खरीदा है. सो इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू बाय, लेट मी से यू ए फैक्ट, क्योंकि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है. यू नो दिस ऑल बैग ऑर्गेनाइजर आर गुड फॉर टोथ्स बैग, जो लाइक जिस बैग में कोई चेन नहीं होता है. सो आई फेल्ट इट दैट और लाइक ये ऑर्गेनाइजर उसी बैग के लिए अच्छा है, लाइक टोथ्स बैग के लिए ज्यादा अच्छा है. बट अभी जो मैं बैग यूज कर रही हूँ उसमें चेन है. तो टुडे लाइक व्हेन आई वेंट आउट एंड जब मैं पैसा निकाल रही थी लाइक वेट टू कीप माय फोन, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज टोट बैग में कुछ भी चेन नहीं होता है, लाइक बैग ऐसे ओपन रहता है, तो तब बहुत ही इजी होता है. सो आई फेल्ट दैट यू नो आई शुड शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि मैं यूज करके जो फील कर रही हूँ वो ही मैं आप सबके साथ बता रही हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम वेयरिंग दिस वन, मैं ये लेके ही आ गई. तो मैं अभी इस पे आई विल कीप सम ऑफ द थिंग्स. सो आई एम टेकिंग आउट ऑल द थिंग्स, बहुत गंदा हालत हो गया था मेरा क्लॉजेट का, हो गया था नहीं अभी भी है मेरा क्लॉजेट का, तो मुझे वो सब साफ करना है. तो मैं जल्दी जल्दी सब काम कर रही हूँ एंड डेफिनेटली क्लॉजेट क्लीनिंग मीन्स आई फील डीक्लटरिंग तो रहता ही है. इफ यू क्लीन लाइक एवरी मंथ इतना नहीं होता है, बट आई एम क्लीनिंग आफ्टर आई थिंक सो 4 months, तो डिक्लटर मुझे करना है. स्पेशली विंटर्स का बहुत सारा सामान है जो मैं अभी नहीं पहनती हूँ, लाइक स्वेटर्स एंड ऑल. एंड मेरा भी ऑलमोस्ट हो गया है, मेरा भी खत्म हो गया है. एंड द लास्ट थिंग इज टू क्लीन, देन आई एम डन. अभी मुझे ये सब सिर्फ जगह पे रखना है. फाइनली अभी जाके मेरा हुआ है एंड या जब भी क्लॉजेट क्लीन करो या कुछ भी कपड़ा क्लीन करो, वन थिंग विच ऑलवेज हैपेंस टू मी इज डीक्लटर. एंड लाइक मैं जो भी नहीं पहनती हूँ लाइक मैं डीक्लटर कर लेती हूँ बिकॉज यू नो इट कैन बी यूजफुल फॉर समवन एल्स. एंड अभी मेरा क्लॉजेट नीट लग रहा है फॉर मी, पता नहीं पर फिर भी मेरा क्लॉजेट मुझे लगता है थोड़ा तो गंदा है ही. देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज सॉर्टेड नाउ. And this is how my closet is looking right now. फिर भी अभी messy है. Like यहाँ पे मैंने मेरा सब bag रखा हुआ है. And ऊपर में भी मेरा कुछ bags है. And in this one organizing box पे मेरा साड़ी है. Then यहाँ पे some of the things है. फिर यहाँ पे trunks है जो मैं घर पे पहनती हूँ. And mostly अभी winter's clothes are in the front and ऊपर में साड़ी है. Again, I will wear it next month. And
यहाँ पे जो हाउस होल्ड क्लोथ्स है, क्योंकि मैं घर पे ही ज्यादा रहती हूँ, सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी. So finally today I use the free time. Now the time is 2:15. तो मैं ऊपर चली जाऊंगी एंड जाके सिर्फ मुझे राइस बिठाना है, तो मैं वो करूंगी एंड देन लेट मी सी मैं क्या करती हूँ. ओ येस्टरडे आई गॉट, आई अप्लाई दिस वन येस्टरडे आई गॉट दिस. मैं और एक लाइट जलाती हूँ. आई गॉट दिस क्या है ये चारकोल बबल मास्क, वो बेड बाथ बियॉन्ड से. And this is hydrating and detoxifying. तो आज free time है, let's use it. तो मैं ये लगा के देखती हूँ कैसा लगता है, but first मुझे rice बिठाना है. So मुझे लगा before going upstairs, let me give some clothes also for washing. अभी हम लोग दोनों ही हैं, तो I don't wash clothes daily, क्योंकि daily wash करने का कोई meaning ही नहीं रहता है. Because ज्यादातर कपड़ा मेरा हबी का रहता है, he goes to gym daily, फिर office. And yeah, socks and all जो होता है, मैं हर वक्त वो जो small laundry like bag रहता है, मैं उसी में देता हूँ. I've shared also with all of you. तो अभी मैं rice बिठा दूंगी and making some green tea for me. मुझे सूप भी गर्म करना है. तो आज ऐसा लग रहा है जैसे कि किचन में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि खाना बनाना नहीं होता है तो किचन क्लीनिंग भी नहीं रहता है और बहुत सारा किचन रिलेटेड काम खत्म हो जाता है. मेरा राइस भी हो चुका है एंड मैंने सूप मैंने इसी तरीके से गर्म किया. लाइक वेन एवर यू मेक सूप, प्लीज डोंट मेक इट वार्म इन द माइक्रोवेव. ट्रस्ट मी, हर वक्त ऐसा गर्म कीजिएगा. सो आई हैव डन दैट एंड यार वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ऑलवेज से मी की पायल तुम जब यहाँ पे खड़ी होती हो मुझे डर लगता है, बिकॉज एनी टाइम माई हैंड कैन गो हियर, विच इज डेफिनेटली करेक्ट फॉर दैट. सी आई एम कॉन्शियस टूडे. और ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी नहीं नहीं कभी भी नहीं हुआ है. मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि सडनली यू नो आई केप द हैंड एंड फिर मुझे थोड़ा गर्म लगा. तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, सो लेट मी यूज इट. मैं कुछ मैं सोचती हूँ मैं कुछ लेट मी गो एंड मैं अपना थोड़ा पढ़ाई के लिए जो मैं कर रही हूँ लेट मी डू दैट. एंड आप लोग बहुत जन पूछते रहते तो इट इज यू नो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग उसके लिए है. अगर आप वो पढ़ेंगे तो आई डोंट नो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट, बट डेफिनेटली वंस आई एम डन आई प्रोमिस आई विल शेयर विथ ऑल ऑफ यू. तो वही करती हूँ, नहीं तो नहीं मैं यूट्यूब नहीं देखूंगी, मैं वही करूंगी आज. मुझे लेट मी यूज इट इन दैट वे ओनली. एंड मुझे ये बबल चारकोल मास्क लगाना था, बट देन आई फेल्ट यू नो राय वॉज वेरी लाइक फैसिनेटेड दैट मम्मी हाउ द बबल इज गोइंग टू कम. तो मैंने सोचा लेटर कम फिर मैं लगाऊंगी, बट इफ आई डोंट हैव अ नो कुकिंग डे और इफ इट इज अ नो क्लीनिंग डे, वन जॉब इज देयर विच इज ऑलवेज देयर, दैट इज मम्मी का ड्यूटी. आई थिंक सो मम्मीज जॉब इज अ नेवर एंडिंग जॉब, वो कभी भी खत्म नहीं होता है. सो राय हैज हर एक्टिविटी, वो आ जाए तो आई हैव टू टेक हर एंड फिर तो सभी बाकी का काम रहता है. बट वेन एवर आई गो टू राय राइस का एक्टिविटी में भी जाती हूँ आई ऑलवेज लाइक मिस तब, दैट इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि एक घंटा कभी कभी ज्यादा भी लगता है. आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू. तो मैं क्या करती हूँ आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर कमेंट. So I'll be doing my work in living room only. मैं ऊपर नहीं जाऊंगी एंड फर्स्ट थिंग मैं कंप्यूटर खोल के डेफिनेटली आई सी what's गोइंग ऑन इन my चैनल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज my मेन वर्क. एंड मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ मैं लाइक आई डू इट लाइक हाउ आई टू डू इन कॉलेज एंड ऑल. तो मैं हर वक्त किताब विताब लेके बैठ के पढ़ती हूँ एंड अनदर 15 मिनट्स फिर मैं चली जाऊंगी राय को लाने. और राय आ भी गई एंड आफ्टर हैविंग शी जस्ट एट द सूप, उसने सिर्फ थोड़ा सूप पिया एंड नाउ इमीडिएटली वी आर गोइंग टू हर एक्टिविटी. तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3:50 और हम लोग जा रहे हैं राय की एक्टिविटी पे, क्योंकि जल्दी जाएंगे देन ओनली हम लोग जल्दी लौट के आएंगे. व्हाट हैपेंड? या आई नो फॉर दैट टुडे आई टुक बाबाज कार सो दैट आई कैन कीप इट नाइसली. तो हम लोग लौट के आ गए. एक सेकंड गया मां
यू हंग्री? ओके यार, आई इज हंग्री. तो राय का एक्टिविटी खत्म हो गया एंड वी केम एट 5:30. उसने शावर ले लिया एंड नाउ राय इज हंग्री. तो राय के लिए आई बी मेकिंग. मैंने ओवन लाइट ऑन करके रखा था ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए. दिस इज एनी चूंग्स मिनी वॉन्टन. तो आई मेक, आई जस्ट शैलो फ्राई, आई जस्ट पैन फ्राई 5-6 पीसेस और मैं राय को खाने के लिए दे दूंगी. तो मैं वही करूंगी. और एक भी फैमिली मेंबर घर में ना रहे तो बहुत शाम के वक्त से बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, क्योंकि नाउ द नाइट्स आर सो बिग और लगता है क्या करें हम दोनों. तो वही मैं राय का होमवर्क चेक कर रही हूँ. जनरली राय का जो भी होमवर्क रहता है, स्पेशली मैथ्स, उनके पापा ही देखते हैं, तो ये एक रिलीफ हो जाता है. बट डेफिनेटली नाउ इट इज माई ड्यूटी. और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है. इफ यू हैवंट ट्राइड, एक बार तो आपको ट्राई करना ही है. यू कैन बॉइल इट ऑल्सो, पर मुझे लगा मैं राय को पैन फ्राई करके देती हूँ. पैन फ्राइड मोमो बोल सकते हैं. तो वही अभी थोड़ा देर बाद आफ्टर 1 आवर वील हैव आवर डिनर. So now the time is 6:28 and Rai अपना homework कर रही है. Rai has a lot of homework and Rai का homework का एक duty अभी मेरा आ गया है, which was her dad's part, that is maths. So she has her maths exam tomorrow ना माँ. So first she will finish her homework, then मैं उसको लेके बैठूंगी. So with this I will end today's video. I hope so you all have enjoyed mera jo ye tha no cooking day, which I have used, I'll say, in a productive way. Little bit I had my me time, then I did the work jo main normal days pe bhul jati ho ya bahut mahinon se mera pending tha, especially cleaning my closet which was a big work. And agar pasand aaya hai aaj ka video to ek like to banta hi hai. And before leaving I want to say you all that how much household work rahe, jitna bhi hum log busy rahe, always make some time for yourself. You will see, you will feel happy. Jo aapko pasand hai, always do it. Aapko you will feel very happy by doing that work. So with this main aaj ka video khatam karti hu. And yeah, those of you who are watching me for the first time, अगर मेरा चैनल पसंद आया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड या एक लाइक तो बनता ही है फॉर दिस नो कुकिंग डे के लिए. सो बाय बाय मॉम, बाय बाय.